लोकेशन कहाँ पे क्लिक करें यार? ये वाली नहीं, उधर की गेट लग रही है मुझे। ओके एक बार चल के देखें या फिर इधर इधर ही देखते हैं। क्या बच्चों वाली चीजें खाती हो तुम? भी खा लेते हैं ना, क्या हो गया बच्चे? हमारा मन है खाने का। हाँ बच्चों वाली चीजें यार, तो क्या हो गया, बच्चे ही तो है हम। कैसे दिए अंकल? ₹15 का पैकेट है। है क्या ये? व्हाइट खाओ चाहे पिंक खाओ, ये शुगर कैंडी, कैंडी फ्लॉस, ये व्हाइट कैंडी। लड़के खाते हैं इसका? लड़कियों ही खाते हैं? ज्यादातर लड़कियां पसंद करते हैं। लड़कियां कपल ज्यादा खाते हैं? नहीं, हम कपल नहीं है, हम तो शूट पे आए थे। मतलब लड़के ही ज्यादा खाते हैं, मेरी बिक्री लड़कियों से ही होती है। अच्छा, यानी आपकी दुकान पे सिर्फ लड़कियां आती हैं? लड़कियां पर वो बोलती है मुझे वो खाना पिंक पिंक तो कभी तो बिकता है। चलो एक बार इधर, सारे पिंक ही पिंक है क्या आपके? पिंक भी है, व्हाइट भी है। व्हाइट भी है, अब कौन सा खाओगे बताओ? ये बिना चीनी का है, कौन सा है? मतलब ये बिना कलर का है, ये कलर वाला है? कलर वाला। अच्छा रुको, तो मैं निकालता हूँ। अच्छा अंकल, शायरी वायरी आती है आपको कुछ? मैं कॉलेज कॉलेज के नाम बता देता हूँ आपको। 18 पढ़े लिखे हो आप? पढ़ा लिखा पक्का तो नहीं, मैं पढ़ूँ दूसरी तीसरी क्लास तक गया था, पर यह दिल्ली में कैंडी बेचते बेचते 40 साल हो गए। ऐसी कॉलेज नहीं है जिसमें मैंने कैंडी नहीं बेची दिल्ली के अंदर। मैं आपको 18 सेकंड में 66 कॉलेज के नाम भी बता सकता हूँ। 18 सेकंड में? हाँ सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। मैंने उनको राहुल गांधी को भी खिलाई थी और पैम काथी उनको भी खिलाई थी, जिससे मेरी कॉलेज राहुल गांधी साउथ कंपोशन पढ़ते। रुको पहले हम खाके देखते हैं, खाके देखना कैसा टेस्ट है। ओ वेरी गुड, टेस्ट तो अंकल बहुत अच्छा है। मैंने मैं उठा कर रख रहा हूँ, गुड, बहुत अच्छा टेस्ट है। चलो अब आपसे सुनेंगे। हाँ। सुनना चाहोगी ना? टाइम है ना? हाँ आ जाओ। दिल्ली में 66 कॉलेज हैं, मॉर्निंग इवनिंग में आपको 18 सेकंड में सुनाऊंगा। अपना नाम है मिस्टर राजपूत कैंडी वाला। ओके तो मैं एक मिनट आपका टाइम शुरू करता हूँ। अब टिक टिक जी चल चुके। अब मैं तीजेंसी जे डी बैंक सोनत कम्युनिकेशन खालसा डी सी सी एच एम्बू से सवाई सतपति बी एम सी जंक्शन सतपति गार्गी भारती इंदिरा गांधी खालसा डी सी सी एच एम्बू से शिवाजी सतपति भास्कर चार जामिया मिस्टर राजपूत कैंडी वाला अंडरस्टैंड गार्गी अंडरस्टैंड। वेरी नाइस। सो गाइस आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कौन से बाल बोलते हैं इसको? कैंडी फ्लॉस। कैंडी फॉल्स, कैंडी फ्लॉस, ये बड़े लोगों के चोचले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बुढ़िया के बाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुढ़िया के बाल है पुराना। हम तो ठहरे देसी बुढ़िया के बाल खा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अभी ये जो अंकल थे इन्होंने कितने कॉलेज के नाम बताया आपने? 66 कॉलेज का सिर्फ 18 सेकंड में अगर नाम बोलते हैं तो आप इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इनके अंदर हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि 66 कॉलेज के नाम। ऐसे कॉलेज नहीं जिसमें मैंने कैंडी नहीं बेची दिल्ली, सारे कॉलेज में बेच दिया। सब में बेचा। कितने में? 66 मॉर्निंग इवनिंग 66। वो मैं आपको 18 सेकंड में बताए भी हैं। सारे कॉलेज के नाम बता दिया आपने। और ये राजपूत कैंडी वाला मेरा नाम है और मेरा नंबर है 3908788891। तो गाइज आपको बता दूं, अगर ये बुढ़िया के बाल आपको खाने तो नंबर भी बता दिया अंकल ने, और 18 सेकंड में 66 कॉलेज के नाम बहुत बड़ी बात होती है। कामयाबी आपको मिली नहीं कहीं? अच्छा, दिन में मैं यहाँ बेचता हूँ, रात को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक केंद्रीय विद्यालय पर। अच्छा। उससे बाद में 11 बजे से लेकर 6 बजे तक सवेरे चंदन देवी हॉस्पिटल भाटिया की दुकान। ओ केमिस्ट। सो गाइज इनको भी सपोर्ट करिए। आपको एक लेकिन एक बात बता दूं कि कभी भी किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। अब आप नॉर्मल साइकिल पे बेच रहे हैं तो हम और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बुढ़िया के बाल बेच रहे हैं, लेकिन इनकी काबिलियत देख के ये पता चलते है कि शायद कहीं ना कहीं आप मैंने यही बेच बेच के ना, बड़ा बेटा मेरा बीटेक कर रहा मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग है। और दूसरे वाला बीबीए कर रहा है एमडीयू कॉलेज। बुक्कड़ को देखो, कह रही है कैंडी क्रश बहुत अच्छा है। कैंडी क्रश नहीं, कैंडी फ्लॉस कहते हैं। चलो खा लो। और जो कम पड़ती पड़ता था तो खेत बेच बेच के पढ़ाए बच्चे। सो गाइस भारत अभियान चल रहा है तो हम इसको डस्टबिन में डालेंगे। सो बिल्कुल गाइज सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि आज मैंने आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाया है। क्यों अच्छे शख्सियत थे या सिर्फ इनका ये जो फ्री में मिला था? राजपूत कैंडी वाले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपनी
गरीबी की हालत देखते हुए भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हर अपने माँ बाप का होते हुए भी कर्तव्य पूरा निभाया और अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचा दिया। तो किस मैं इन बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मुझे खाना खिलाएं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जो मैंने भटकता रहा हूँ ना सड़कों पर, कल को मेरे बच्चे ना भटकें, अच्छे अच्छे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़े, अच्छे गाड़ी घोड़े में ये भी घूमें, मेरी तरह गरीबाई ना देखें, इसलिए पढ़ा। बहुत अच्छी सोच है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? और अभी पढ़ ही रहे मेरे बच्चे थर्ड ईयर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो चलिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बुलाएं। हम लोग तो लोकेशन ढूंढ रहे थे, चलो। हाँ, लोकेशन।